बहरहाल अचला पास पे कल रात से स्नो पड़ी है बहुत भयंकर भाई, स्नो तेज हो गई है तो नीचे नहीं रोड तो मजा आ गया उसमें तो बाइक चला के। साला नीचे उतर गई, नीचे उतर गई। अब तो यही है बहरहाल अचला पास, और तो कोई लग नहीं रहा मुझे। पहले अपनी बाइक के साथ अचला पास एल्टीट्यूड 4850 मीटर। ये क्या हुआ है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। अभी जो है उठ चुके हैं, सुबह के 7 बज रहा है भाई। अभी रेडी है ये मैं सोचना ऐसे बैठे से रेडी नहीं है, रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। बस एक कछुआ हमारे साथ जो रेडी नहीं है, वो अपनी बंदी से लगा हुआ है फ़ोन पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो वहाँ से देखे मुझे घूर रहा है, ये देखो कुछ भी कुछ भी हालत देखो तुम अपनी क्या है हालत देखो अपनी। अरे किस एंगल से तुम रेडी लग रहे हो भाई साहब? सबसे पहले मेरा लगेज माउंट होने वाला है, पता है? सबसे पहले इसका लगेज देखो, ये रहा ठीक है, और हमारे लगे जी हैं, उसके बावजूद से पहले हम माउंट कर देंगे, ये गारंटी है। ठीक है, टाइमलेस लगा दियो, पता चल जाएगा। टाइमलेस कैसे पता चलेगा मुझे बताइए, पता चल जाएगा। कुछ भी बोल देते हो, टाइमलेस में पता चल जाएगा। कौन टाइमलेस पता चल जाएगा? मैं लगा कुछ भी बोल देता है, मैं लगा के कैमरे के सामने खड़ा हो जाऊंगा ना। हाँ ठीक है ठीक है। अभी बाइक अपनी ये थी, कोल्ड स्टार्ट पे करेंगे। ये कछुए की हमारी बाइक इतनी फास्ट बाइक है, और ये कछुआ स्लो है बहुत। और ये हमारे भैया हैं गुजरात से, इनकी क्लच वायर टूट गई है भैया की आया कोई लगाने के लिए अभी तक? लगा रहे हो? यही है ना क्लच वायर? चलो भैया लगाएंगे, अपन चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और यहाँ से लगेज माउंट करते हैं, फुर रोल लेते हैं घर की ओर। फाइनली अपन लोग रेडी निकलने के लिए, उन भाइयों को भी काम हो गया। वहाँ कैमरा बंद हो गया था, मैं उन लोग भाइयों से मिलवाता आपको, पर क्या करें कैमरा बंद हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी, इसको चार्जिंग पर लगाया है। कल हमारी बाइक चली थी 212 किलोमीटर, मीटर मैंने ट्रिप जो है जीरो कर दिया है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मनाली की ओर, और मैं ये वाला पार्ट अभी काट दूंगा। मेरे को हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है, उसका रीज़न है जुकाम, जुकाम ने गंदा पकड़ लिया है सर। अभी ब्रेकफास्ट के रुकेंगे, तो ब्रेकफास्ट होके जो है अपना कुछ खाएंगे, ये ले लूँगा चेस्ट एंड कोल्ड। आ जाओ भाई, क्या फ्रिज बनाया। अरे वाटर क्रॉसिंग भी है यहाँ पर, तो भाई सुबह सुबह वाटर क्रॉसिंग। हम पागल हो रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग ऊपर चढ़ाएंगे, हम यहाँ से चढ़ जाएंगे, अपने आप को यहाँ से कर लेंगे। एक बार रुकने, धक्का मारना पड़ेगा मेरे को शायद, आगे कर लो बाइक को, यहाँ पर चढ़ा लो। अभी हम लोग जो है सरचू के चेक पोस्ट पर रुक गए हैं। रुकने का रीजन बहरहाल अचला पास पे कल रात से स्नो पड़ी है बहुत भयंकर, पूरी रात पड़ी है, तो आर्मी वालों ने बंद कर दिया रोड। यहाँ पर हम तो है ही हैं साथ में, वहाँ देखो कितने सारे लोग हैं, ये ट्रक भी रोक रखे हैं। क्या लगता है भैया? मुश्किल लग रहा है मुझे तो, बर्फ पड़ी होगी तो वैसे ही, और ठंडा भी बहुत मस्त रहा, अभी यही ठंड लग रही है, और ये देखो बादल फिर आ गए काले। कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा स्नो हो जाए वहाँ पर। और मेरे तो भाई लिटरली सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम जो सिर में चढ़ गई है। अभी दवाई भी मेरे को लगता है निकालनी पड़ेगी, उसमें से साइड इफेक्ट निकालते हैं, दवाई लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। पानी है हमारे पास? नहीं है, पानी नहीं है, पानी का क्या करेंगे, चलो देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। अभी से बर्फ पड़ गई यार कैसे जाएंगे भाई, 12 लाख चला था फिर बहुत भयंकर मिलने वाला है। मोटीप्लेक्स है, मोटीप्लेक्स है, मैं कह रहा था कुछ हो या तो बर्फ गिर रहा है या पानी गिर रहा है। ये सही है यार, जून के महीने में इन्होंने हमें दिसंबर का मजा दिला दिया इस बार राइड ने। भाई स्नो तेज हो गई है, और ये हम सरचू में अभी
हाँ भाई जून में बर्फ के मजे दराते मार रही है भैया नहीं खुलेगा आज अगर यही ये हालत है सरचू में तो ऊपर 12 लाख चला क्या हालत होगी बताओ यार जस्ट इन केस हालांकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग पार कर जाएं नहीं पार तो होगा चाहे शाम को क्यों ना खुले मनाली तो पहुंचूंगा मैं यार यहाँ रुक के कुछ फायदा नहीं है ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर यार अगर आर्मी वाले नहीं खुलते तो क्या खुलेंगे और नहीं खोलेंगे खोलेंगे खुल जाएगा आप देख सकते हो पिघलती भी बहुत जल्दी है ना जून का महीना भाई देख लो भाई जून के महीने में स्नोफॉल दिखा रहे हैं आपको हम देख रहे हो इसे बोलते हैं लकी मैन ऑन अर्थ हम जून के महीने में स्नोफॉल दिखा रहे हैं आप लोगों को सो फाइनली इन्होंने रास्ता छोड़ दिया है खोल दिया रास्ता अब जा सकते हैं हम आगे और सही टाइम पे अपन लोगों ने चाय वाय पिए मेरे को ठंड लग रही थी उस समय दर्द होता था मैंने दवाई तो ले ली थी मैं एक चाय पीते हैं चाय पी मैगी खाई अब यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं एक बार भैया और आ जाए वो दोनों रुके हुए हैं बोले उसका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था मेरे ख्याल से कछुए का देखते हैं उनको आन देते हैं फिर चलेंगे आगे यार नज़ारे देखो कितने प्यारे हैं यार वहीं कहीं ऊपर जाना है इन पहाड़ों के पीछे जहाँ ऊपर खुलेगी हमें दबा के चलो जी आगे चले आगे तो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है अभी हम मनाली से आगे निकलेंगे इन दोनों का प्रोग्राम है मनाली रुकने का बट मैं नहीं रुकूंगा अगर प्रतीक भैया साथ रहे तो ठीक है नहीं तो फिर मैं अकेला आगे निकल जाऊंगा आज से हमारी फिर रूट सॉल्व हो जाएंगे दोबारा से क्योंकि मुझे कल किसी भी हाल में जो है घर पहुंचना है अगर मैं आज मनाली रुकता हूं तो कल मैं रात को बहुत लेट जाऊंगा पहुंचते पहुंचते और वो मैं चाहता नहीं मैं थोड़ा सा अपनी राइड जो है सिंपल रखना चाहता हूं अपनी टेंशन फ्री तो इसलिए मैं आज कोशिश करना है कि मंडी या बिलासपुर या सुंदरनगर यहाँ कहीं पहुँचूँ तो उस हिसाब से देखते हैं अभी टाइम हो गया 10:20 तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ये देखो भाई बिहार में क्या मस्त रोड निकाला है और ये देखो ये डायरेक्ट रोड निकाल रहे हैं डायरेक्ट वहाँ पर क्योंकि अभी नीचे उतर के हमें ऐसे जग जग करके ऊपर जाना है फिर ऊपर से वहाँ जाना है तो ये डायरेक्ट रोड निकाल रहे हैं तब पूरा बीच का कवर अप हो जाएगा भाई बी आर ओ काम कर रहा है एक नंबर कुछ भी कहो चलो जी दोबारा चार्जिंग लगा दिए क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है एकदम से कैमरा बंद होगा एकदम सही और आगे जो स्टॉपेज लूंगा ना उस पर कैमरे में जो यार पिछला डाटा है यार कल का डाटा तो मैंने ट्रांसफर भी नहीं किया भाई साहब चलिए आगे किसी रेस्टोरेंट पर रुकेंगे ना मनाली साइड में उससे पहले तो वहाँ डाटा ट्रांसफर करूँगा बैठ के जल्दी से देखो जी स्नो हमारे आँखों के सामने कितनी जबरदस्त लग रही है हालांकि ये पुरानी है पर फिर भी अच्छी लग रही है लोगों ने कारस्तानी करी हुई अपनी पर अच्छा क्या हुआ ओम लिखा है कुछ फालतू की चीज नहीं लिखा चांदा के बाद यहाँ पर मजा आ रहा बाइक चलाने में रोड है ही नहीं एक्चुअली रोड बनी थी अच्छी बात नहीं बनी हुई देखो साइड में सारा टारमैक रोड पड़ा हुआ है तो जब थोड़ा बहुत टूटता फूटता है ना तो बीआरओ क्या करता है ये देखो ये व्यू बना हुआ इसको पूरे को उखाड़ देता है फिर ढंग से दोबारा बनाता है तो नीचे वाली रोड तो मजा आ गया उस पर तो बाइक चला के मस्त टूटा फूटा था और हम वहाँ नीचे से कहीं से आ रहे हैं उससे भी आगे से मैं फोटो खिंचवा रहा था वहाँ खड़े हो गया ऑसम यार ऑसम अरे भाई अगर वीडियो देख रहे हो ना
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, और जल्द से कोशिश करना। देखो मैं सीरियसली बताऊँ, यहाँ ना सर्किट करना ना बहुत इजी नहीं है, जिनके पास है उनके लिए इजी है। अब समझते गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो भाई देखो मेरे को भी थोड़ा दिक्कत हुआ, मेरे को भी एक साल लगा, पर जैसे जैसे करके मैंने ये किया है। तो आप भी कर सकते हो, सेविंग्स करो कुछ, धीरे धीरे होगा सब कुछ यार, आप भी कर पाओगे। क्योंकि मैं भी यार देख के ना मेरे को भी होता था मैं जाऊँगा पर भाई मुझे पता है इस राइड में खर्चा कितना आना है, वो सब नॉलेज थी मुझे। और मैं सीरियसली बताऊँ, आज मेरी राइड का सेकेंड लास्ट डे है, और जो एक्सपेक्ट किया था ना उतना ही खर्चा आया है। मैंने सोच रखा था कि इतने अमाउंट के अंदर मुझे राइड खत्म नहीं करनी। अरे यार बाइकर ने जगह ही नहीं दी उसको, ट्रक को देख लो, वहाँ जाना है मैं वहाँ पर। अरे तेरी की, यहाँ इतने मोटे मोटे पत्थर इतने रख दिए, मत निकालो भैया, सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक है, मत निकालो भाई साहब। छोटा सा रास्ता और ट्रक फंस गया भाई, गैप बना के रखो इनसे, पीछे बैक मार के दिक्कत हो जाएगी। साला नीचे उतर गई, नीचे उतर गई। कोई नहीं, इसने भी तेज कर दी भाई, ये ट्रक वाला आरामी है, चार नंबर देख रहा हूँ मैं, ओवरटेक कर रहा हूँ, हल्की स्लो कर लूँ, इसने भी फुल तेज कर दी। ओए होए क्या बर्फ है यार, अभी तक रोड पे तो नहीं मिली, पर हाँ रोड ऐसी जरूर मिली, देखने में मजा आ रहा है। अरे भाई यहाँ आई सर, यस पर निकल गई, कोई इतना इशू नहीं हुआ। ये भी अपना ही एक फन है अलग यार, ऐसी रोड मिल जाए, ऐसी स्नो मिल जाए, इस पे बाइक चलाने का मजा ही अपना अलग है। मैं यार सीरियसली बोलूँगा, हर बंदे को बोलूँगा कि जिंदगी में सिर्फ एक बार टाइम निकाल के और पैसा सेव करके यहाँ आना, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सीरियसली ख़त्म हो रहा है मेरा ये टूर, मेरे को ना बुरा लग रहा है, पर एक चीज़ अच्छी भी लग रही है कि लाइफ का एक एक्सपीरियंस कर लिया और यहाँ से ना बहुत कुछ सीखा है मैंने, जो कि मैं आगे अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। अब बस यहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये देखो ये जितनी बर्फ दिख रही है ना, ये कल की पड़ी हुई बर्फ है जो इस साइड है लेफ्ट में, और जो सामने है ये रोड पे तो बर्फ नहीं मिली यार, और भी पानी क्यों बंद कर रखा था उन्होंने, कहीं बर्फ नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही है बारालाचला पास, और तो कोई लग नहीं रहा मुझे, पर यहाँ पर कोई वो नहीं लगा हुआ जिसकी फोटो खींच सके, जिससे हम यहाँ बारालाचला पास किया हमने। हाँ यही है, यही है, यही है, यही है बारालाचला पास, फोटो तो खींचेंगे यहाँ से भाई। सो मेरे हिसाब से बारालाचला पास तो यही है, फ्लैग्स ही लगे हुए, पर कहीं भी वो नहीं दिख रहा जो लगा होता है कि हर पास इसका लिखा होता है ना, वो नहीं दिख रहा मुझे। पर क्योंकि यहाँ से डाउन जा रहा है अब, तो मेरे हिसाब से भैया बारालाचला पास यही है, क्योंकि ये प्लेन एरिया सारा देखो, तो यही है मेरे हिसाब से। तो अब भाई आए हैं, इतनी बर्फ देखे हैं पर खेले नहीं, खेलना तो बनता है ना पहले अपनी बाइक के साथ। आहा यार ये जरूर था, ये जरूरी थी, इस बाइक ने बहुत साथ दिया है, ये तेरे साथ करना बहुत जरूरी था भाई। मेरी एंग्री बर्ड, चल
सॉरी भाई और बहनों, उससे सिर्फ मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ही रहा। 12 लाखना का बोर्ड भी लगा हुआ है, 12 लाखना पास, एल्टीट्यूड 4850 मीटर। चलिए अपना बाइक का पिक लेते हैं यहाँ पे। ओहो तो 4850 मीटर है तो अराउंड कुछ 15,000 के आसपास हो गया फीट। एंड अब यहाँ क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, कभी नहीं समझ भाई ये दो बाइक कैसे लटा के रखी हुई है, हुआ क्या ये। मेरे ख्याल से यहाँ से रेस्क्यू किया होगा बंदों को, कुछ हो तो रात को हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम, बर्फ में फंस गए होंगे मे बी। यहाँ से व्यूज देखो यार, कितना जबरदस्त, कितना प्योर वाइट कर रखा है, बिल्कुल वाइट, मजेदार। जून के महीने में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, देखो यार। और वो भी ये खारदुंगला नहीं है, 12 लाखला है मनाली के पास। बर्फ तो अच्छा है भाई, बहुत अच्छा बर्फ है। मेरी 5-6 और फोटो लेने का मन कर रहा है, मैं ले ही लेता हूँ फोटो यार, फिर दोबारा तो नहीं कमाना हो।